सब कुछ गिरवी हो गया, सब कुछ, सब कुछ अपने लिए कुछ नहीं रखा? क्यों रखते? क्यों? सुधीर, बुरे वक्त के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये बुरा वक्त नहीं तो क्या है टीना? नहीं, हम सिक्योर नहीं हो सकते जब तक ये कर्जे नहीं उतर जाते। लेकिन सुधीर, अब आप अपने पास कुछ नहीं रहा, बैंक बैलेंस तो एकदम खाली सा हो गया है, सिक्योरिटी से, जेवर से, सब से। अगर कल को कुछ हो गया क्या तो... कल लगा रखा है? आज जो इस घर में अनर्थ हो रहा है, पहले उसकी सोचे या कल या परसों की? तुम भी थी ना? ठीक है, मत सोचो। और कुछ होगा तो वो भी गिरवी रख दो ना। कल जब सर के ऊपर से छत नहीं रहेगी ना, तब समझोगी तुम। अरे कम से कम भैया और भाभी के पास घर तो है, अपने पास वो भी नहीं रहेगा। कितनी बार कहा था मैंने सुधीर तुमसे कि घर लो, घर लो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें कभी लगता है कि अपने हिस्से की बात भी कर ले तो ठीक होता, कम से कम इस झंझट से तो बच जा। बस पैसा और घर, अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर चला जाऊं? क्या इतना जरूरी है तुम्हारा ये पैसा और घर? हाँ जरूरी है, अपने जीने के लिए, बिना किसी गलती के, बिना किसी का कुछ बिगाड़े, किसी की गलती की वजह से हम क्यों मारे और डरे सुधीर? अरे ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन तुमसे तो कुछ कहना था बेकार। तुम कहा मेरी बात सुनोगे?